अब हम आपके चैप्टर 17 की एक्सरसाइज करते हैं। देखिए ए पार्ट, आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर के लिए 3-3 ऑप्शन है। सही ऑप्शन आपको सर्च करना है और उसके सामने टिक लगाना है। फर्स्ट देखो क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन। इनमें से वो कौन सा एनिमल है जिसे बीस्ट ऑफ बर्डन यानी बोझ उठाने वाला जानवर कहा गया है। तो देखो आपके ऑप्शन है डंकी, हैन, बफेलो। तो देखो जो डंकी है, डंकी मतलब गधा, वो आपका वजन बोझ उठाने वाला जानवर है, तो आप इसे टिक करोगे। सेकंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कॉल्ड एन एम्फीबियंस। इनमें से कौन सा एनिमल आपका एम्फीबियंस है, मतलब जो पानी में भी रह सकता है और भूमि पे भी रह सकता है। तो देखो लिजार्ड, पेंगुइन, फिश। इसमें से देखो आपका सही ऑप्शन है पेंगुइन, यह आपका एम्फीबियंस है, ये पानी में भी रह सकता है, ज़मीन पर भी रह सकता है। थर्ड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कॉल्ड माइग्रेटरी एनिमल्स। नीचे कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से माइग्रेटरी एनिमल्स कौन है, सॉरी माइग्रेटरी एनिमल कौन है। देखो रैबिट, डग, आर्कटिक टर्न। तो हमने माइग्रेटरी पढ़ा था, वो है आर्कटिक टर्न। ये जिस कंट्री में रहते हैं, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो खुद को उस ठंड से बचाने के लिए गर्म देशों में चले जाते हैं, तो ये एक लंबा सफ़र तय करते हैं, तो इन्हें माइग्रेटरी एनिमल्स कहा गया है। अब देखो नेक्स्ट आपका, व्हेन यू सी समवन फीडिंग द एनिमल्स व्हाट डू यू फील। जब आप देखते हो कोई अपने एनिमल को खाना खिला रहा है, दूध पिला रहा है, तो आप कैसा फील करते हो। कोई किसी एनिमल को खाना खिला रहा है या दूध पिला रहा है तो आपको कैसा फील होगा। तो देखो हैप्पी फील होगा, एक एनिमल है उसको फीड करा रहे हैं, मतलब उसे खिला पिला रहे हैं, तो अच्छा ही फील होगा। तो आप लिखोगे आई फील हैप्पी। सेकेंड है आपका, when you see some children throwing stones at the dog, what do you feel? जब आप देखते हो कि कुछ बच्चे किसी डॉग पे पत्थर फेंक रहे हैं, तो आपको कैसा फील होगा। देखो आपको बुरा महसूस होगा, तो आई फील पिटी, मतलब उसे उस पर दया आएगी, तो आपको एकदम दया वाली भावना आएगी, मन में बड़ा तरस आएगा उस डॉग पे। आगे देखो आप सी पार्ट, आपको वन वर्ड में आंसर देना है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स आर कैप्ड इन अ जू। किस प्रकार के एनिमल्स को जू में रखा जाता है। देखो वाइल्ड एनिमल्स को, तो आप यहाँ वाइल्ड एनिमल्स लिखोगे। सेकंड, व्हाट डू वी कॉल द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, तो आप यहाँ एक्वेटिक एनिमल्स लिखोगे। थर्ड, व्हाट डू वी कॉल द ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ अ फिश। एक फिश के ब्रीदिंग ऑर्गन को क्या कहते हैं, सांस लेने वाला जो अंग है उसे क्या कहते हैं, फिश का सांस लेने वाला अंग। तो देखो वो होता है गिल्स, तो आप इसे गिल्स लिखोगे। अब देखो डी पार्ट में क्वेश्चन आंसर से, उससे पहले देखो नीचे आपको हॉर्स दिया गया है। वी सी सम क्रिएचर्स इन आर हाउस डेली, वी डोंट लाइक दैम इन आर हाउस, वी कॉल दैम अनवांटेड गेस्ट, कैन यू नेम सम ऑफ दैम। देखो हम कई बार अपने घरों में ऐसे कुछ जानवरों को देखते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते कि वो हमारे घर में हो, लेकिन वो बिना बुलाए आ जाते हैं, अनचाहे मेहमान होते हैं वो। तो बताओ ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं। देखो ऐसे एनिमल्स होते हैं आपके पेस्ट्स, उन्हें पेस्ट कहते हैं, जैसे कि कॉकरोच, रैट्स, कैट, मॉस्किटोस, फ्लाइस, ये सभी क्या हैं, ये सभी पेस्ट्स हैं। ओके बेटा क्लियर है। आगे देखो अब नीचे आपको एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ये एक क्रॉसवर्ड पजल है, इसे आपको सॉल्व करना है क्लूज की हेल्प से। फर्स्ट है आपका, दिस एनिमल गिव अस एग, ये एनिमल हमें एग देता है। तो देखो एग कौन देता है हमें, एग मिलते हैं हमें हैन से। तो आप देखो फर्स्ट अक्रॉस में इस तरीके से हॉरिजॉन्टली अपने लेफ्ट टू राइट में आपको फिल करना है। फर्स्ट में देखो एच लेटर से हैन फिल करोगे। सेकेंड है वी गेट दिस फ्रॉम सिल्क वॉर्म, ये हमें सिल्क वॉर्म से मिलते हैं, तो देखो वो है सिल्क, तो सेकेंड में आपको फिल करना है सिल्क। तो इस तरीके से आपको इस क्रॉसवर्ड को कंप्लीट करना है। देखो अक्रॉस में आप इस तरीके से अपने लेफ्ट टू राइट में लिखोगे, और देखो डाउन में आपको ऊपर से नीचे की ओर लिखना है। ओके बेटा क्लियर है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले देखो आपकी वर्ड मीनिंग है, 12 वर्ड मीनिंग्स है आपके। देखो फर्स्ट है आपका डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू। बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब बोझ उठाने वाले जानवर। प्लो होता है आपका हल, फॉरेस्ट जंगल, हंग्री भूख, अर्थवॉर्म केंचुआ, लिजार्ड छिपकली, एम्फीबियंस उभयचर जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकें, फैदर्स पंख, माइग्रेटरी प्रवासी, एक्सटिंक्ट विलुप, डिसअपीयर गायब होना। तो ये वर्ड मीनिंग्स को आप नोटबुक में नोट करोगे। अब देखो क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू एनिमल्स ऑन लैंड मूव।
एक्सप्लेन गिविंग सम एग्जाम्पल्स, जो आपके लैंड एनिमल्स हैं, धरती पर रहने वाले जानवर हैं, वो कैसे मूवमेंट करते हैं, कैसे चलते हैं, आपको उसके एग्जाम्पल ही बताने हैं। तो देखो, हमने पढ़ा था जो अधिकतर हमारे लैंड एनिमल्स हैं उनके लिम्स होते हैं, टांगे होते हैं, जिनसे वो चलते हैं, जैसे आपके कैट है, डॉग है, जबकि कुछ लैंड एनिमल्स क्रॉल रेंगते हैं, जैसे कि आपका क्रोकोडाइल है और लिजार्ड, ये रेंगते हैं, और जबकि कुछ एनिमल्स जो है वो स्लिधर करते हैं, मतलब लुढ़कते हुए रेंगते हुए चलते हैं, जैसे आपका स्नेक, अर्थवॉर्म। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट लिखने हैं एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द टर्म्स एक्सटिंक्ट एंड इनडेंजर्ड एनिमल्स गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। आपको इसे बताना है एक्सटिंक्ट और इनडेंजर्ड एनिमल्स क्या है, इनके एग्जाम्पल देते हुए। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पहले एक्सटिंक्ट एनिमल्स की। तो देखो, वो एनिमल्स जो बिल्कुल एग्जिस्ट हो गए हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, अब वो बचे ही नहीं, देखने को ही नहीं मिलते, क्योंकि वो है ही नहीं अब, जिनका अस्तित्व ख़त्म हो चुका है, वो होते हैं आपके एक्सटिंक्ट एनिमल्स, यानी विलुप्त जानवर। जैसे कि देखो, डोडो हमने पढ़ा था, और देखो जो एनिमल्स उस कगार पे हैं कि वो ख़त्म हो सकते हैं, बिल्कुल कम बचे हैं मात्रा में, तो उन्हें कहते हैं इनडेंजर्ड एनिमल, मतलब खतरे में जो जानवर है, ख़त्म होने के खतरे पर जो जानवर हैं वो होते हैं आपके इनडेंजर्ड एनिमल। एग्जाम्पल में देखो आपको दिया गया है ब्लू व्हेल। क्लियर है बेटा? लेको नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है 3, हाउ डू एनिमल्स इन वाटर मूव, एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, तो देखो वो स्विम करते हैं, तैरते हैं, अपने पंख और पूंछ की मदद से वो पानी में तैरते हैं। और एग्जाम्पल क्या है इसका, देखो एक एग्जाम्पल लिख देना, फिश। फिश पानी में रहती है, एक्वाटिक एनिमल है, और स्विम करती है वो। ओके बेटा, क्लियर है? तो ये आपका चैप्टर 17 कंप्लीट होता है। आप इसे रीड करोगे, इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक में नोट करोगे, और जो पार्ट्स मैंने आपको बुक में कराया उन्हें बुक में करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप चैप्टर 17 को कंप्लीट कीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 18 के साथ। थैंक यू।